Some students, how are you all? Hope so all of you are fine. Today we are going to read the poem "This is the Woman" that is written by John Stallworthy. Okay? John Stallworthy was a modern poet and literary critic. ठीक है जो क्रिटिक्स होते हैं अगर कोई भी लिटरेरी वर्क पहले से दिया गया हो तो उस पर क्रिटिसाइज करते हैं और फिर जो उनके पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं वो अगेन से आ रहे होते हैं तो ये भी एक लिटरेरी क्रिटिक थे ही यूज कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री ठीक है राइटिंग पोइट्री इन्होंने लिखी है हिज पोइट्री इज सिम्बोलिक वी कैन फाइंड मैनी सिम्बोलिज्म दैट ही यूज इन हिज पोइट्री ठीक है as we are going to read "It's in the Woman," we can also find symbolism that is used in the poem "It's in the Woman." He writes about war, England, family. It means the subject matter था जिनपे इसने ज़्यादा लिखा है वो war पे लिखा है, England पे लिखा है और family पे लिखा है. He got fame as a war poet. ठीक है? तो war पे ज़्यादा इन्होंने लिखा है इसलिए इसको जो है वार पे लिखने से ज्यादा ये जो है फेमस हुए सिंधी वुमेन पेयर कोट थ्रू द बाजार एंड विद द सेम अंडरनाइट ग्रेस एंड द क्लॉथ ब्लॉन बैक फ्रॉम हर फेस शी ग्लाइड विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड एंड नॉट ऑन पीपल इन हर क्रेड सो पेयर मीन्स डेट without wearing ठीक है यहाँ पे क्या है barefoot it means that she has she is not wearing shoes ठीक है इसने जूते नहीं पहने हुए undulant means wave roll rise and fall मतलब कि क्या है जैसे हिचकोले लेना ठीक है लहराते हुए और घटना और बढ़ना किसी चीज का तो इसकी जो चलने का स्टाइल है वो ऐसे है जैसे स्पीड कभी फास्ट हो रही है कभी स्लो हो रही है ठीक है ग्रेस ग्रेस होता है एलिगेंस ठीक है रिफाइनमेंट इट मीन दैट कोई चीज हो किसी चीज का स्टाइल हो अंदाज हो वो ग्रेस होगा ग्लाइड वॉक फ्लोट ठीक है ग्लाइड का मतलब होता है चलना ठीक है रवानी से चलते रहना रफ्तारी से चलते रहना उसको कहते हैं रिपल से होता है रिपल होता है परेशानी या लड़खड़ाहट ठीक है डिस्टर्बेंस को कहते हैं हम रिपल तो वो क्या कह रहे हैं फिर वो थ्रू द बाजार एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस एज द क्लॉथ लॉन्ग बैग फ्रॉम हर फेस शी ग्लाइड विद अ स्टोन जार ऑन हर हेड एंड नॉट अ रिपल ऑन हर ड्रेस मीन्स के वो उसने जूते नहीं पहने हुए एंड शी इज पासिंग थ्रू द बाजार ठीक है और उसके साथ क्या है वो एक बाबूगार चाल के साथ क्या है जा रही है एज द क्रॉस लॉन्ग बैक फ्रॉम हर फेस जैसे जैसे हवा चल रही है ठीक है तो उसके जो फेस से है कपड़ा हट रहा है ठीक है उसका जो दुपट्टा है वो हट रहा है शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार इसका मतलब ये है कि उसने क्या है अपने सर पे एक पत्थर का मटबान रखा हुआ है एंड नॉट रिपल इन हर थ्रेड तो क्या मतलब है कि वो एक भारी सा वजन उसने रखा हुआ है अपने सर पे हारे होना हर हेड लेकिन उसकी वजह से उसे फील नहीं हो रहा कि उसने कोई भी बर्डन जो है उसके सर पे ठीक है हियर यू कैन सी दैट जार ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज इट्स मीन दैट द स्टोन जार रिप्रेजेंट्स और सिंबलाइज द जार ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज ओके एंड ऑल्सो फेयर कोटेड ठीक है इट्स मीन दैट इट सिंबलाइजेस पॉवर्टी ठीक है तो क्या है उसने जूते नहीं पहने हुए इसका मतलब कि क्या है वो पॉवर्टी को फेस कर रही है एंड ऑल्सो दी डिफिकल्टीज आर ऑन हर हेड मतलब क्या उसके सर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं ठीक है तो यहाँ पे ये क्या है ये वर्किंग वूमेन है इसको भी शो कर रही है फिजिकली हेल्थी एंड स्ट्रांग है ठीक है समटाइम हम ये भी सुनते हैं दोज हु वर्क दे आर फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्थी ओके तो देयर इज रेफरेंस जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है तो मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है कि रेफरेंस में हमने क्या करना होता है ये बताना होता है कि ये पॉइंट
कौन सी है, ठीक है, कॉइन का नाम देना होता है और किस वर्ड ने इसे लिखा है। तो इसमें हम ये लिखेंगे द लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉइन एसेंडी वुमन रिटन बाय जॉन स्टॉलबर्ट। ओके, दिस वाज द रेफरेंस ऑफ द कॉइन एंड इन कॉन्टेक्स्ट यू विल राइट अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। सो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी पॉइंट, इट मीन्स के जो पॉइंट है वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इन विच द पॉइंट एक्नोलेजेस ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग सिंधी वुमेन। अब क्या है वो जो सिंधी वुमेन है, ठीक है, उसकी क्या तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। शी गोज इरेक्ट विद अ जॉर ऑन हर हेड थ्रू द अप्स एंड डाउन ऑफ द वे, ठीक है। वो कहते हैं कि रस्ते में जितने भी ऊंचे और टेढ़े और सीधे जो रस्ते हैं उससे वो चल रही है, उसके सर पे क्या है, एक पत्थर का जौर है, ठीक है, पत्थर का मर्दबान है, लेकिन क्या है उससे उसकी जो चलने की स्पीड है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। द पॉइंट कंक्लूड्स दैट ओनली दोज पर्सन स्टैंड मोस्ट अफ्रेड हु लर्न टू वॉक बीनीथ द वेट, ठीक है। तो पॉइंट क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, दैट दोज पर्सन स्टैंड मोर अफ्रेड, इट मीन दैट दोज पर्सन आर मोर हेल्दी who learn to walk beneath the weight, who has responsibilities, ठीक है। The poet tries to tell the readers that we should face the hardships of life bravely, ठीक है। और हमें क्या मैसेज कर रहे हैं कहते हैं that we should have to work hard, ठीक है। हमने क्या करना है, काम करना है, ठीक है, और बहादुरी से काम करना है, मेहनत करनी है। We can also say that the poet wants to say that hard working is very benefit for our life, and also we can remain, we can stay healthy because of hard working. In this stanza, the poet describes how the Sindhi woman is walking through the bazaar, ठीक है। वो ये बता रहा है कि सिंधी वुमेन कैसे बाजार से गुजर रही है। शी इवन इज नॉट वेयरिंग शूज इन हर फीट, शी इज वॉकिंग इन वेरी थ्रेड एंड इट्स लुकिंग ग्रेसफुल, ठीक है। वो कहता है कि जब वो चल रही है तो वो बहुत वाकार लग रही है। शी इज कैरिंग अ स्ट्रॉन्ग जार हाई ऑन हर हेड, इट ब्लोस अवे हर क्लॉथ फ्रॉम हर फेस, शी इज वॉकिंग स्मूथली एंड नथिंग कैन डिस्टर्ब हर थ्रेड, नॉट अ सिंगल ripple can be observed in her thread. The poet wants to tell us how a woman learns to live in all type of circumstances. It means that he is describing the poor society, and he is saying that a poor lady who is carrying a jar on her head is passing from the bazaar and she is not wearing shoes, and because of the burden, doesn't affect on her speed of walking, ठीक है, walking speed. So this was the explanation of this stanza, as these lines present the picture of a Sindhi woman passing through a bazaar very gracefully, and she is barefooted and she is carrying a straw jar on her head, and this wind is blowing and the wind is blowing back the cloth from her face, but still she is looking charming. It means that the wind is also blowing, ठीक है, हवा भी चल रही है, और उसके जो फेस पे कपड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता से हट रहा है, तो वो ये कह रहा है दैट शी इज लुकिंग चार्मिंग। शी मूव्स जेंटली थ्रू द बाजार, विद हर हैवी लोड, बट स्टिल शी इज वॉकिंग अनस्ट्रगलिंग एंड हर गेट अपीयर्स टू बी वेरी सेपरेट एंड स्टेडी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंसा। Then there is what is her cause erect? Erect means सीधा, upright, ठीक है। उसे यूं तन कर चलते हुए, मतलब कि बिल्कुल ऐसे सीधा चलते हुए देखना। Storm, garbage, excrements and crumbs, ठीक है। तो स्टोन्स क्या होता है, पत्थर वगैरह, वार में जो कूड़ा फिट होता है, एक्सक्रीमेंट मतलब कि जो गंदगी होती है, एंड क्रम्स और क्रम्स ऑफ क्लॉथ, इट मीन के जो शीशे के टुकड़े होते हैं, टूटे हुए शीशे के टुकड़े, इनकी क्राची नाम, ठीक है, क्राची की आबादियों में।
आई विद माय स्टूप, ठीक है, आई विद माय स्टूप, स्टूप मतलब झुकाव, इट मीन डैट दी पॉइंट इज इन ओल्ड एज, ठीक है, वो बुरा हो चुका है और वो अब उसकी कमर जो है झुकी हुई है. रिफ्लेक्ट टेस्ट स्टैंड मोस्ट, ठीक है, वो अब क्या है, क्या सोच रहा है कि वो लोग बहुत मजबूत और क्या है रास्ो है, ठीक है, who learn to walk beneath a weight, जो बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं. We consider that this is the theme, that they stand most afraid, who learn to walk beneath a weight. This is the main idea which the writer wants to convey, ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, they are successful people. So, garbage means message, ठीक है, experiment, जो होते हैं एक्सक्रीमेंट गंदगी को कहते हैं, ठीक है, डर्ट डर्टी जो मटेरियल होता है उसको. क्रंच जो होता है रेजा या टुकड़ा कहते हैं, मतलब पार्टिकल होता है कोई, ठीक है, उसके अलावा जो क्लम्प्स होते हैं कच्ची आबादी को कहते हैं, ठीक है, शैंटी टाउन जो होते हैं उनको हम कहते हैं. एंड देर इज स्टूप, स्टूप में मतलब कि झुका हुआ, बैंडिंग लीनिंग उसको कहते हैं. रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मीन्स रिमेम्बर, ठीक है, एंड रिमाइंड और रिकॉल मतलब कि याद करना या सोचना. बीनीथ, अंडर और बिलो. हियर वी कैन से दैट द पॉइंट इज लीनिंग, ठीक है, एंड दी सिनी वुमन इज कैरिंग अ जार ऑन आवर हेड. So, in this stanza, the writer is telling us that, the poet is telling us that he is watching with great interest the sacred moment of the Sindhi woman passing through the bazaar, ignoring altogether the pieces of stone. It means that she doesn't care about the pieces of glass that are scattering on the road, but she is passing. And also there are garbage, human waste and pieces of glass laying here and there in the bay in Karachi. So it means that he is describing the area of Karachi, and that is a slumming area, and these things present no hydrants. Hydrants means hota hai koi power, matlab ki kya sari cheeze udhar padi hui hain lekin uske liye koi bhi power nahi hai. And she continues to move on her way as usual, ठीक है, वो ऐसे ही वहाँ से गुजरती जा रही है. The point is deeply impressed by the gentle and graceful walk, and the point is walking with a bent back in spite of the fact that he has no load to carry. It means that the point has no load, he has no burden. And he is also leaning. But on the other hand, if we look at the Sindhi woman, she is carrying a jar, but she is walking very straight. The poet also telling us that the Sindhi woman carrying a heavy load is walking very straight, and therefore the poet concludes that those who carry heavy loads of life, it means hardship, difficulty, they walk erect, they walk straight. And these loads cannot bend their body. Also, they are carrying loads, but it is not affecting on their body. Okay? So, the theme of the poem is that the writer is describing the grace of a Sindhi lady who speechlessly does all the work in the worst leaning conditions. She carries all the weight of tradition, religion and expectation on her head. It means that she has a lot of responsibilities and she has a lot of difficulties, and without a word, and does it with grace. She is not speaking. She is not taking step against these difficulties. She stands with dignity and respect because she has seen it all and not broken down. She can do that because she has passed all the test of time. She has done all the hard work and seen it all. It means that she has lived a very difficult life, but that difficult life did not affect on her body and also on her soul.
Okay, it means that we can say that the writer is describing the dignity of hard work. Yes, we have to hard work, and hard work is the key to success. Okay, so this was the point. It's in the moment. Hope so you understand. Thank you so much.